देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे प्यारे प्यारे युवा साथियों, भाइयों बहनों, आपको मालूम है कि आज 5 अप्रैल है और आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने रात के 9 बजे एक प्रेयर के लिए कहा है, जिसमें कि हम लोग एक दीपक जलाएंगे और 9 मिनट तक जलाएंगे उस दीपक को। दीपक प्रज्वलित रहेगा 9 मिनट तक और उस पीरियड में आप जैसा चाहें, हर एक संस्था, हर एक मत संप्रदाय अपने अपने हिसाब से कर सकता है। और बस 9 मिनट तक जलाए रखने का मतलब ये है कि प्रकाश एक साथ पूरे देश में एक साथ प्रज्वलित हो रहा है चारों तरफ। ये एक सामूहिकता की भावना का प्रतीक है और स्पेशली इसलिए भी कि ये जो हम जिस कोरोना की जो लड़ाई से हम लड़ रहे हैं उसमें संघबद्धता दिखनी चाहिए कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई में एक हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप जो बताया गया है वो तो करेंगे ही, क्योंकि आपने सबने संदेश सुनाई है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो इससे ज़्यादा बड़ा संदेश हमारे गुरुदेव का है, जिन्होंने कि दीप यज्ञ की बात कही और दीप यज्ञ की महिमा बताई कि दीप यज्ञ एक साथ जब दीप जलते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम ये होता है कि चारों तरफ तमोगुण समाप्त होता है, सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण का जब बढ़ना होता है तो सत्वगुण से हम वास्तव में सही अर्थों में एक माहौल बना पाते हैं, जिस माहौल के माध्यम से देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। कितना पर प्रभाव पड़ता है तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम गुरुदेव की बात पर तो विश्वास करते हैं कि गुरुदेव ने जो कहा है तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसके दौरान मन ही मन गायत्री मंत्र का जप और अंत में 4-5 बार करीब महामृत्युंजय मंत्र का मंत्र हम बोलें, ताकि इससे आपको एक लाभ मिले और आपके साथ साथ पूरे वातावरण को लाभ मिले। पूरे भारत का वातावरण, जहाँ जहाँ हमारे परिजन हैं पूरे भारत के कोने कोने में, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। तो आज 5 अप्रैल को रात के 9 बजे 9 मिनट तक हमको दीपक जलाना है। गैलरी में, अपने घर की गैलरी में, अपने घर की बालकनी में, अपने घर के दरवाजे पर, इनमें से जिसमें से भी संभव हो 9 मिनट के लिए आप इसको अवश्य करिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सबका पूरे देश का एक साथ दिखाई पड़ने का पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सब आप 9 बजे हम सब के साथ होंगे।